संत अच्युतानंद दास 16वीं सदी का एक ऐसा नाम जिसको लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों से जानते हैं। कहते हैं कि संत अच्युतानंदन दास ने भूतकाल भविष्य सब देख रखा है और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी हमेशा सच निकलती है। माना जाता है कि संत अच्युतानंद भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेते थे। उन्हीं संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई किताब भविष्य मालिका आज भी मौजूद है, जिसमें साल 2024 में होने वाली कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भविष्य मालिका को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह भविष्यवाणियां एकदम सटीक और सही है और इन भविष्यवाणियों को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। किताब में लिखी, साल 2024 में होने वाली भविष्यवाणियां और कलयुग के अंत के लक्षण डरा देने वाले हैं। कलयुग के अंत के लक्षणों को बताते हुए भविष्य मालिका कहती है, घोर कलयुग में लोग भगवान को भूल जाएंगे, लोगों के दिल से ईश्वर का डर निकल जाएगा और मनुष्य ईश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा साधु के भेष में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी, जिस वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा। अब जरा गौर कीजिए, क्या किताब में लिखे यह सभी लक्षण आज के वक्त के नहीं? क्या कलयुग का अंत नजदीक है? आगे की भविष्यवाणी जानकर यह सवाल आपके रातों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि 2024 आ गया है और इस साल होने वाली घटनाओं के बारे में किताब बताती है कि प्राकृतिक आपदा 2024 से 2025 के बीच तबाही मचाएगी। ये तबाही दुनिया के कई भागों में प्राकृतिक आपदा देगी। कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं भयंकर सूखा होगा जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। भविष्य मालिका में आगे लिखा है, साल 2024 से 2025 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। साल 2024 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पानी की कमी होगी। खेती में नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। साल 2024 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो भयंकर रूप ले लेंगे। ये भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएगी। संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका में भगवान जगन्नाथ के बारे में भी चौंका देने वाली भविष्यवाणी की गई है। अच्युतानंद दास ने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा है, भगवान श्री जगन्नाथ का अपमान होगा और उनके मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। मंदिर के ऊपर जो कपड़ा है उसमें भी आग लग जाएगी। जब उड़ीसा में तूफान आएगा तब जगन्नाथ मंदिर में कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नई नई बीमारियां फैलेगी और उन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा। इन भविष्यवाणियों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।